अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया तो उसके बाद से अमेरिका में विपक्ष लगातार ट्रंप पर हमलावर होता जा रहा है। यहां तक कि विपक्ष ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। ट्रंप भले ही कहें कि वो हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन 20 जनवरी को जब जो बाइडन शपथ ले रहे होंगे या उसके बाद में हिंसा भड़कने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उधर दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग लाया जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दो महाभियोग प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसमें ट्रंप पर विद्रोह भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राष्ट्रपति ट्रंप को 20 जनवरी से पहले ही व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स के 3 सांसदों ने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है, जिसका सदन के 211 सदस्य समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति ट्रंप पर राजद्रोह के लिए लोगों को उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के लिए तब उकसाया जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से ये प्रक्रिया बाधित हुई। पिछले बुधवार को अमेरिकी संसद पर हुए हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हुई। बता दें कि संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसमें ट्रंप को पद से हटाने की मांग की गई थी और उपराष्ट्रपति माइक पेंस से 25वें संशोधन बिल को लागू करने का अनुरोध किया गया था। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि वो ट्रंप को हटाने के लिए 25वां संशोधन लाने का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने नैन्सी पेलोसी को एक खत लिखकर इसकी जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस के सदस्य महाभियोग से ध्यान हटाएं और बाइडन के राष्ट्रपति बनने पर ध्यान लगाएं। सदन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सदन उचित कार्रवाई करेगा। नैन्सी ने यह ऐलान रविवार शाम को अपने साथियों को लिखी चिट्ठी में किया। इससे पहले नैन्सी पेलोसी ने कहा था कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्परता से काम करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति दोनों के लिए खतरा है। इस राष्ट्रपति ने हमारे लोकतंत्र पर हमला किया है, इसलिए कार्रवाई की तत्काल जरूरत है। पेलोसी ने कहा कि सदन उपराष्ट्रपति माइक पेंस और मंत्रिमंडल के 25वें संशोधन को लागू कराकर ट्रंप को बाहर करने की कोशिश करेगा।